अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम रिव्यू लेके आए नेस गैस के बिल्ट इन इलेक्ट्रिक एंड गैस अवन का। आप देख सकते हैं ये डूल इलेक्ट्रिक एंड गैस बिल्ट इन अवन है, जिसको आप बिल्ट इन भी कर सकते हैं, डेस्कटॉप भी रख सकते हैं। इसका ऊपर वाला जो हिस्सा है वो इलेक्ट्रिक है, और जो बॉटम वाला आप देख सकते हैं वो आपको गैस में मिल जाता है। और इसके अलावा 4 अदद नॉब मिल जाती हैं। और हमेशा की तरह हमारी वीडियो बनाने का मकसद किसी भी प्रोडक्ट की तारीफ करना नहीं होता, बल्कि इसकी खूबियां और खामियां आपके पास लाना होता है ताकि आपको परचेजिंग में आसानी हो सके। लेकिन इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ताकि ऐसी ही वीडियो हम आपके लिए लेके आते रहें। सबसे पहले बात कर लेते हैं उसकी मॉडल की। तो इसका जो मॉडल है वो आप देख सकते हैं NG500ENG, यानी कि इलेक्ट्रिक एंड गैस ये आपको बिल्ट इन अवन मिलता है। उसके अलावा 4 अदद इसमें नॉब मिल जाती हैं और नेस गैस का ब्रांड लोगो मिल जाता है। इसके हैंडल की बात कर लें तो उसका जो क्रोम हैंडल है वो गुलाई में आता है, और उसकी जो ग्रिप है वो काफ़ी अच्छी है। इसके अलावा डबल डोर इसमें आपको ग्लास मिल जाता है। इसका एक जो ग्लास है वो बाहर वाली साइड पे आप देख सकते हैं, और एक वाला जो ग्लास है वो इनसाइड आता है, जो कि टेम्पर्ड ग्लास में आता है, जिससे फायदा ये होता है कि जब आप कोई भी चीज़ अंदर बेकिंग या बना रहे होंगे तो बाहर वाला जो ग्लास है वो आपको बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करेगा, हीट नहीं होगी। उसके अलावा बात कर लेते हैं इसकी टॉप की। तो आप टॉप पे आप देख सकते हैं इसके में टॉप पे इलेक्ट्रिक एलिमेंट मिल जाते हैं, और इसके बिल्कुल बॉटम पे आपको जो गैस चलाने के लिए बर्नल नीचे मिल जाता है, जो कि ऑटो इग्निशन के साथ ऑन होता है। उसके अलावा रोटेटरी मिल जाती है, जिसमें आप सरगा हैंग कर सकते हैं, बारबेक्यू कर सकते हैं। इसके अलावा इसकी ग्रिल मिल जाती है। अब बात कर लेते हैं इसकी लास्ट फीचर की। तो आप इसको बिल्कुल एंड पे करते हैं तो यहाँ पर जो इसका फ़ैन है प्लस इसका जो बल्ब है और जो रोटेटरी है वो ऑन हो जाती है। इसको जो चलाना है वो बहुत ही आसान है। उसके अलावा इसकी इलेक्ट्रिक टेम्परेचर की बात कर लें तो उसका जो इलेक्ट्रिक टेम्परेचर है वो आप देख सकते हैं, जो कि 50 से 250 सी है, जो कि काफ़ी अच्छा टेम्परेचर है। इसके अलावा ब्लैक कलर आप देख सकते हैं, जो कि टेम्पर्ड ग्लास में आपको मिल जाता है, और काफ़ी अच्छा इसका ग्लास है, जो कि अनब्रेकेबल है। इसके अलावा इसकी वारंटी की बात कर लें तो वारंटी इसकी 2 ईयर है, जिसे आप पूरे पाकिस्तान में आसानी क्लेम कर सकते हैं। और इस टाइम जो स्क्रीन पर नंबर चल रहे हैं, इन एसके इसके ऑफिशियल नंबर है, अगर कोई दुकानदार आपकी बात नहीं सुनता तो इन नंबरों पे आप कॉन्टैक्ट करके आसानी आप सर्विस बैकअप ले सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इसके बिल्ट इन माइक्रोवन की। तो ये वाला जो आप बिल्ट इन अवन देख रहे हैं ये सिर्फ बेकिंग करने के लिए, ये इलेक्ट्रिक एंड गैस है। इसका जो ऊपर वाला हिस्सा है वो इलेक्ट्रिक है, और जो नीचे वाला बिल्कुल बॉटम वाला हिस्सा है वो गैस का है। ये किसी भी किस्म का खाना जो है आप इसमें गर्म नहीं कर सकते। और इस टाइम जो स्क्रीन पे चल रहा है ये इसका बिल्ट इन माइक्रोवन है। अब बात कर लेते हैं इसकी कीमत की। इसकी कीमत की बात कर लें तो इसकी जो मार्केट में कीमत है अब तक जब तक ये वीडियो बन रही है वो 58,000 है। उसके अलावा इसमें एक और मॉडल आता है, इस टाइम जो स्क्रीन पर चल रहा है वो उसका लोकल मॉडल है, उसकी जो कीमत है वो 34,000 है। और इसमें कलर ऑप्शन जो है आपको 2 मिल जाते हैं। इसके अलावा इसमें सिल्वर कलर मिल जाता है और ब्लैक कलर मिल जाता है। लेकिन अगर आप पेयर बनाना चाहते हैं तो इस टाइम जो स्क्रीन पे चल रहा है इसका बिल्ट इन माइक्रोवन है, नेस गैस एक ब्रांडेड कंपनी है। अब बात कर लेते हैं इसकी साइज़ की। अगर आप लेने से पहले आप जो साइज़ है वो बिल्ट इन करवाना चाहते हैं, इसका जो साइज़ है जो आप बिल्ट इन करवाएंगे वो 24x24 है। इसकी हाइट जो है वो 24 बनती है। और कीमत की बात कर लें तो कीमत भी काफ़ी रिजनेबल है, जबकि तमाम नए कंपनियों की जो कीमतें हैं वो भी एक्सटेंड हो चुकी हैं। ये तो पुरानी कंपनी है, इसकी 58,000 कीमत है, 2 ईयर इसकी वारंटी है। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ताकि ऐसी ही प्रोडक्ट की वीडियो हम आपके लिए लेके आते रहें।